हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है क्लास फिफ्थ के लिए, आपके चैप्टर 19 चल रहा है और 19 का क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक हो गए थे, 16 की बात करेंगे। तो मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दिया था। व्हाट आर द हिंड्रेंस इन द रीजन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन योर विलेज एंड नियर बाई एरिया, व्हाट शुड बी डन टू रिमूव। कि मैंने आंसर लिखवा था यस द देयर आर हिंड्रेंस लाइक स्लम्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज इन द रीजन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फुल स्टॉप विद द हेल्प ऑफ लॉ। कि नियम कानूनों की हेल्प से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, दे शुड बी रिलोकेटेड इन द सम अदर प्लेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जनरली व्हाई डू पीपल, लिखिएगा जनरली व्हाई डू पीपल, ठीक है, जनरली व्हाई डू पीपल सेटल डाउन, SETTLE, सेटल डाउन, ठीक है, इन वन प्लेस, इन वन प्लेस नियर टू ईच अदर। ठीक है, नियर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अक्सर लोग दूसरी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वे एक दूसरे की मतलब क्राइसिस में हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज, आंसर लिखिएगा बिकॉज दे, ठीक है, कैन, वो क्या कर सकते हैं, हेल्प, दे कैन हेल्प ईच अदर, दे कैन हेल्प ईच अदर इन, ठीक है, किस में, क्राइसिस में, इन क्राइसिस, CRISIS, ठीक है, यानी कि बिकॉज दे कैन हेल्प ईच अदर इन क्राइसिस, की बीमारी में या फिर किसी भी दुख दर्द में वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। When must help the people, लिखिएगा when must, ठीक है, have the people, when must help the people, ठीक है, around you helped, HELPD, helped each other during any difficulty, DIFFICULTY, during, ठीक है, any difficulty or crisis, CRISIS, ठीक है, question mark, question कह रहा है कि वैन मस्ट हैव द पीपल, ठीक है, वैन मस्ट हैव द पीपल अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो लोग हैं हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी भी परेशानी या क्राइसिस में, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे, ठीक है, कौन कौन से टाइम्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, इसमें लिखे लाइक, ठीक है, फ्लूड, जैसे बाढ़ में, ठीक है, अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लूड है, अर्थक्वेक है, लाइक, ठीक है, और स्टॉर्म्स है, ठीक है, स्टॉर्म्स है, एक्सेट्रा, ठीक है, कब को हेल्प करते हैं, बाढ़ आने पर, भूकंप या इस तरीके की गंभीर समस्याएं आ जाए तब, ठीक है। चलें आगे, ये जो चैप्टर है आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस और है वो मैं करवा देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, इसी चैप्टर के हैं, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखिएगा, राइट टू, WRIT, राइट TWO, टू एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, किसके, नेचुरल डिजास्टर। अब आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा, प्राकृतिक आपदाओं के आप लोगों को दो एग्जाम्पल देने, कौन कौन सी दो प्राकृतिक आपदाएं आप लोगों को पता है, दो तीन जो भी, टू थ्री जो भी आपको पता है, ज्यादातर तो एक तो फ्लूड आप लोगों के पता ही है एंड अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, और आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, और स्टॉर्म्स भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टॉर्म्स भी है, प्राकृतिक आपदाओं में ही स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। चलें आगे एक तरफ, ठीक है, बात करें, ठीक है, चैप्टर 20 की बात करेंगे आप लोग,
हम लोग ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश होता है, यानी कि जो चैप्टर 19 है, चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर रीडिंग राहुल सर ने करवा दिए। बढ़ते हैं चैप्टर 20 की तरफ, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 20, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर 20 मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहाँ डाल दिया मैंने चैप्टर 20, ठीक है। चैप्टर 20 है फार्मिंग बींग, ठीक है। लिखेगा फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग बींग, BEING, बींग, ठीक है। और है प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, ठीक है। कि कौन कौन से खेती बाड़ी में हमें काम में आते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से औजार हमारे खेती बाड़ी में काम में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता ही है कि खेती बाड़ी में ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं। प्रॉस्पेरिटी, इसमें एक वर्ड आया है, ठीक है, प्रॉस PERITY, प्रॉस्पेरिटी मतलब बोला जाता खेती बाड़ी में किस तरीके से हमें निपुण हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, तो मैं चैप्टर रीडिंग कर रहा हूँ, फिर उसी हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। चलते हैं इस चैप्टर की रीडिंग पर, ठीक है। चैप्टर रीडिंग यहाँ पर लिख दिया राहुल सर ने, चैप्टर रीडिंग, ओके। चलिए जी, रेस्पेक्टेड मामा जी प्रणाम, एक लेटर लिखा जा रहा है, रेस्पेक्टेड मामा जी प्रणाम, ठीक है। वी आर फाइन, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, ठीक है, हम अच्छे हैं और आशा करते हैं, एंड होप द सेम यू, और आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आगे बात की जा रही है, देयर इज ए विंग गुड रेन, यहाँ पर कैसी बारिश हुई है इस बार, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। इन दिस इन अवर एरिया वी हैव गॉट अवर फार्म्स सोन और द ट्रैक्टर्स एंड सोर द ग्रीन ग्राम मूंग एंड मोर दाल, हमने हमारे ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है, ट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर अब की बार मूंग बोई है, ठीक है। किसकी बुआई की है, मूंग की बुआई की है। आगे कहना चाह रहा है कि द सवानिया फार्म वॉज सोड बाई 5 आवर्स एंड द पर्ल मिलेट, हमने सीसेम के सीड से, देखिए पर्ल मिलेट, ठीक है, पर्ल मिलेट भी बोए उन्होंने, ठीक है, सीसेम तिल के, ठीक है, सीसेम भी उन्होंने, सीसेम के जो सीड सेम बीज है वो भी उन्होंने बोए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि मैंने आप लोगों को मेरी खेती बाड़ी के बारे में सब कुछ बताया है, दीज डेज वी आर लिविंग इन ढाणी, ठीक है, हम इन दिनों कहाँ रह रहे हैं, ढाणी में, ढाणी मतलब छोटा सा गांव होता है, ठीक है, उसे ढाणी बोला जाता है, ढाणी में रह रहे हैं, गांव वाले बच्चे जानते हैं ढाणी क्या होती है, ठीक है, ढाणी, ठीक है, तो यानी कि हम ढाणी में रह रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, वी लुक्स लाइक ए मैन फ्रॉम ए डिस्टेंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स गेट स्केयर्ड ऑफ इट एंड गो अवे, यानी कि हमने वहां पर एक क्या है, स्केयर क्रो इन द फार्म, हमने वहां पर एक स्केयर क्रो लगा दिया है, SCARE, स्केयर क्रो, स्केयर क्रो देखा आपने, इस तरीके से गांव में पुतला लगा देते हैं, ठीक है, और उसके इस तरीके से हैंड्स बना देते हैं, और जैसे खेतों में लगा देते हैं, आपने देखा होगा खेतों में इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने खेतों में इस तरीके से स्केयर क्रो लगा देते हैं, मतलब पशु पक्षियों को भगाने के लिए, डराने के लिए, ठीक है। चलो जी, योर छगन राम, और लेटर लिखने वाले का नाम क्या है, छगन राम, क्या है, छगन राम। आगे चलें, बात की जा रही है, ठीक है, द फार्मर्स यूज मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, जो किसान होते हैं वो कई तरीके के अपने फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए और अपनी फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए, काटने के लिए कई तरीके के औजार काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये औजार किससे बनाए, कारपेंटर बनाता है या बड़ई बनाता है, लोहार बनाता है। आगे देखिए, ऑन छगन राम फार्म, छगन राम के खेत पर क्या होता है, किसकी खेती फील्ड को जोता जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड सीड्स, ठीक है, किसकी हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से जोता जा रहा है, कई एग्रीकल्चर, इसे क्या बोलते हैं, एनिमल्स का यूज करना, ट्रैक्टर इस तरीके के खेती बाड़ी में यूज करना, उसे बोला जाता है एग्रीकल्चर, क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी में जिस तरीके से कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स की अच्छी क्वालिटी के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, कि हमारी फसलें अच्छी क्वालिटी की हो, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का। पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादातर एनिमल रियरिंग, काऊ डंग, इस तरीके के यूज करते थे, लेकिन आजकल तो आधुनिक या बोल सकते मॉडर्न फर्टिलाइजर्स आ गए, केमिकल्स आ गए, जैसे DAP, ठीक है,
कई तरीके के केमिकल्स है, यूरिया है, ठीक है, इस तरीके के केमिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे कई बार पेट में दर्द हो जाता है, दांत में दर्द होता था, हेडेक हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं तुरंत उसकी क्या लेते हैं, टेबलेट। इसी तरीके से फसलों के लिए अब आधुनिक साधन भी आ गए हैं, पेस्टिसाइड्स भी आ गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, कि फूड का स्टोरेज कहाँ किया जाता है, स्टोरेज, ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन्स, कि खाद्य दानों का स्टोरेज कहाँ किया जाता है, कि व्हेन द फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इट इज इट्स स्टोरेज, ठीक है। द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड्स आर पैक्ड इन सैक्स एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेस यूजिंग ट्रैक्टर और बल्क कार्ट्स, ठीक है, और थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट कैन बी ए रूम इन द हाउस, ठीक है, टू बी कोल्ड स्टोरेज ड्यूरिंग द स्टोरेज इट शुड बी एंश्योर दैट देयर इज नो मॉइस्चर इन द ग्राउंड एंड नो एंडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक ऑफ थ्योरियोर्गेनिज्म। मतलब जब फसलों जब खेतों से फसल को काट लिया जाता है, जब वो पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसे बेचने के लिए ले जाया जाता है, तो इसे बड़े बड़े एक मतलब कमरे होते हैं उनमें स्टोर कर दिया जाता है जहां पर नमी का कोई काम नहीं है, जहां पर नमी नहीं होनी चाहिए। इन्हें ट्रैक्टर की हेल्प से या ट्रॉली की हेल्प से या बैलगाड़ी की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ले जाया जाता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए ये ठंडी जगह होती है जहां पर इनको रखा जाता है, जहां पर नमी वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चले आगे एक तरफ बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, एनिमल्स रियरिंग टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ड्यू टू इट्स मैन स्टार्टेड गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर द फेयर्स स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स टूडे वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फेयर सच एज एनिमल्स फेयर इन पुष्कर ऑन द कार्तिक पूर्णिमा फेस्टिवल ऑफ ओणम इन केरला एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ओणम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेशन ऑफ द रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स ऑफ टी जिंजर ठीक है कैडमोम ठीक है ब्लैक पीपर एंड वीट एज वेल एज ऑन द ऑन साइट ऑफ द प्लीजेंट सीजन सिमिलरली ऑन मकर संक्रांति पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप्स ठीक है स्टार्ट्स। यानी कि बताया जाता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने भी अपनी जरूरतों के हिसाब से एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन में भी एनिमल्स को रखा जाता है, और ह्यूमन की मतलब मानव की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्हें एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया है। एनिमल्स को खरीदना बेचना भी एक धंधा बन गया है। जैसे कि आजकल पुष्कर में जानवरों का एक मेला लगता है, ठीक है, किस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किस दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वहां पर मेला लगता है। बात करें केरल में, ठीक है, ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, केरला में, कहाँ मनाया जाता है, केरला में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, जब वहां पर चाय की अदरक की खेती होती है, ठीक है। और चलते हैं, ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर रीडिंग आप लोगों के पूरी हो चुकी है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है, चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम वेयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, लिखिएगा फ्रॉम वेयर, ठीक है, आगे लिखिएगा डू वी गेट द, ठीक है, सीड्स ऑफ, क्या लिखा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, फॉर, ठीक है, सोइंग इन द फार्म्स, SOWING, सोइंग इन फार्म्स, FARMS, ठीक है। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो बीज होते हैं खेतों में बोने के लिए वो कहां से आते हैं, ठीक है, कहां से आते हैं, क्रॉप कोऑपरेटिव सोसाइटी से आते हैं, फ्रॉम कहां से आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी SOCIETY कोऑपरेटिव सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, और कहां से आते हैं, सीड्स शॉप से आते हैं, ठीक है, बीज बेचने वाले जो, ठीक है, दुकानदार होते हैं वहां से लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, विच एनिमल्स आर रियर्ड एट होम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, विच एनिमल्स, ठीक है, आर
आर ई ए आर ई डी, रियर्ड एट होम। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी देखभाल घर पर की जाती है, ठीक है, रख रखाव किया जाता है। काऊ है, ठीक है, बफेलो, BUFFALO, बफेलोज है, ठीक है, काऊ है, बफेलोज है, ठीक है, गॉट है, ठीक है, बकरी रखते हैं, ठीक है, शीप, भेड़ भी रखते हैं कई लोग। तो देखिए, काऊ, बफेलो, गो, ठीक है, और गोट हो गई, शीप हो गया, ठीक है, और कई लोग हॉर्स भी रखते हैं, ठीक है, कई लोग कैमल भी रखते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EBS को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।